नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटर बल्ब मैनिपुलेशन करना सिखाऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक लाइट बल्ब की फ़ोटो ले रखी है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद मैं सिंपली जो इसकी बैकग्राउंड लेयर है इसकी एक कॉपी बना लूँगा, इनकेस अगर मैं जो लेयर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पे एक बैकअप में रहना चाहिए। इसके बाद मैं जो इसके अंदर का ये पार्ट है इसे सिंपली रिमूव करूँगा, क्योंकि हमारे पे इसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसके लिए लासो टूल का यूज़ करूँगा। लासो टूल से मैं इसका एक सिलेक्शन बना लूँगा। आप याद रखिएगा, आपने पूरे का इंटायर का नहीं बनाना है सिलेक्शन, थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा, वरना ये बहुत अलग सा कर देता है। इसके बाद मैं कंटेंट अवेयर पर क्लिक करूँगा। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको फिल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे जाना है और ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसे फिल कर देगा। देखिए, ऑटोमेटिकली फिल करने लग गया। ये अपने हिसाब से इसे फिल कर देता है जितना ये अच्छा समझता है। ये देखिए, इसने कर दिया। इसके बाद मैं सिंपली सिलेक्ट में जाऊँगा, इसे डिसलेक्ट करूँगा और एक छोटा सा सिलेक्शन और बनाऊँगा। इतना मैं सिंपली फिर से इसमें जाऊंगा, राइट क्लिक, फिल, कंटेंट अवेयर, ओके। देखिए, इसने कर दिया। अब इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लोन टूल का यूज़ करूँगा, स्टैम्प क्लोन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, सॉरी। इसके बाद इससे पहले मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने सिलेक्शन बना रखा है। अब मैं सिंपली ऑल्ट दबा के एक सैम्पल ले लूँगा, जैसे मैं यहाँ का एक सैम्पल ले लेता हूँ और सिंपली इसे इस तरीके से रिमूव कर दूंगा ऐसे। ये हमारा बल्ब तैयार हो गया, ये देखिए। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे क्लिप्स टूल सिलेक्ट करूंगा मैं अपना, ये रहा। इसके बाद मैं एक यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा, आई थिंक ये बेटर है इतना। इसके बाद मैं सिंपली अपना पेंट बकेट टूल लूँगा, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लेके से ब्लैक फिल कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद मैं सिलेक्ट में जाके इसे डिसलेक्ट करूँगा, फिर फिल्टर में जाके यहाँ पे आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है। ब्लर में आपके पास गोशन ब्लर है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे ब्लर कर लेना है थोड़ा। आई थिंक 9.4, 9.8 सही है, आप ज़्यादा ना करिएगा, बहुत अजीब सा लगेगा वरना ही। और इसके बाद इसकी सिंपली ओपेसिटी जो है वो हम कम कर लेंगे थोड़ा सही दिखाने के लिए। ये देखिए, ये हो गया। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें सिंपली वाटर ऐड करूँगा। इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, प्लेस अबैंडन्ड पे क्लिक करेंगे और जो हमारी वाटर वाली फ़ोटो है वो इसमें लगाएंगे। जैसे ये रही, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, ये देखिए। अब मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल से मल्टीप्लाई पे कर लूँगा ताकि मैं सही से देख सकूँ कि मैंने इसे एग्जैक्ट कहाँ एडजस्ट करना है। मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, हम इसे ठीक बीच में रखेंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आई थिंक इतना। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो सिंपली एंटर प्रेस करें। इसके बाद हम जो इसका बाकी का पार्ट है उसे डिलीट करेंगे। इसके लिए हम इसका एक मास्क बना लेंगे। मैं यहाँ पे मास्क का ऑप्शन मिल जाता है आपके पास, ऐड लेयर मास्क, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आपको अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, फोरग्राउंड में आपको ब्लैक कलर रखना है और उसके बाद सिंपली आपको इसमें पेंट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, हमारी वाटर बल्ब मैनिपुलेशन का काम लगभग पूरा होने वाला है। अब मैं सिंपली यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सिंपली इसका थोड़ा सा कलर बढ़ाऊँगा, ब्राइटन करूँगा इसे, क्योंकि अभी थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। इसके लिए मैं सिंपली अपने एडजस्टमेंट टूल में जाऊँगा और यहाँ पर हम सैचुरेशन पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। पर याद रखिए, आप क्लिपिंग मास्क ऑन कर लीजिएगा ये करने से पहले। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे इसे एडजस्ट करिएगा। देखिए, इस तरीके से मैं सैचुरेशन भी थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक
45 इज़ बेटर। इसके बाद मैं जो थोड़ी सी कम कर देता हूँ इतनी, और जो यहाँ पे हमारी लाइटिंग है उसे थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ इस तरीके से। देखिए अब कितना ब्राइटन लग रहा है थोड़ा एरिया। इसके बाद हम सिंपली इसमें कुछ और ऐड करेंगे, यहाँ पे वापसी हम फाइल में जाके प्लेस अबैंडन्ड करेंगे, और यहाँ से हम कुछ और ऐड करते हैं, लाइक आई थिंक फिश बेटर है, फिश ऐड करेंगे अब यहाँ पे हम। मैंने फिश की एक फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, ये थोड़ी छोटी मैं सब बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं सही से देख सकूँ ना कौन सी फिश इसमें ऐड करनी है। आई थिंक ये दो बेटर हैं, तो मैं सिंपली एंटर टैप करूँगा पहले और देखेंगे हम। आई थिंक ये अच्छी लग रही है दोनों, तो मैं सिंपली यहाँ पे लासो टूल पे जाऊँगा अपने, और इसका एक सिलेक्शन बना लूँगा इस तरीके से। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपके पास एक लेयर बाय कॉपी का ऑप्शन आता है, आप इसमें सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर मैं जो इसकी ओरिजिनल फ़ोटो है उसे बंद करूँ, तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ इन दोनों का अब सिलेक्शन आ गया है। तो मैं सिंपली इसे डिलीट कर दूँ जो ओरिजिनल वाली है, क्योंकि मेरे पे इसका कोई काम नहीं है अब। इसके बाद मैं मूव टूल पे जाऊँगा अपने, और इन्हें एडजस्ट करूँगा अपनी फ़ोटो के हिसाब से। मैं कंट्रोल प्लस टी दबा के इसे शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर लेंगे हम। इसे मैं मूव कर लेता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर आई थिंक बेटर लगेगा इतना। ये देखिए ये अच्छा लग रहा है। मैं अब एंटर प्रेस करूँगा, और इसकी जो ऑपेसिटी है वो थोड़ी मैं कम कर दूँगा, आई थिंक 80 के समथिंग बेटर है, तो मैं 80 पे से रखूँगा। ये यहाँ बेटर लगेगी इस जगह। इसके बाद मैं सिंपली अब इसमें स्प्लैश ऐड करूँगा, तो मैं इसके लिए फाइल में जाऊँगा, प्लेस अबैंडन्ड पे वापसी क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैंने एक स्प्लैश की फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, ये रही वाटर स्प्लैश। इसके बाद मैं सिंपली इसे एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं शिफ्ट दबा के इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसे इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ, यहाँ, और इसे मैं सिंपली इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। आई थिंक ये बेटर लग रहा है थोड़ा सा, ये इतना, इसके बाद ये इतना, ये हो गया। मैंने पूरा बल्क कवर करा है, देख लीजिएगा। अब मैं सिंपली नॉर्म जो इसका ब्लेंडिंग मोड है उसे ओवरले पे सेट कर दूंगा इस तरीके से, तो ये देखिए। अब मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद इसका एक मैं लेयर मास्क बना लूंगा। आप याद रखिए, आप कोई भी काम करें तो लेयर मास्क जरूर बना लें, क्योंकि अगर गलती से हम कुछ रिमूव कर देते हैं तो उसे हम आसानी से वापसी लेके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप परफेक्ट है, तो आप कोई सा भी टूल फिर यूज़ कर सकते हैं, बिना लेयर मास्क के भी कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपली फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखूँगा, और इसे रिमूव करना शुरू कर दूंगा। मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप अपने ब्रश का साइज ब्रैकेट की से तो छोटा कर ही सकते हैं। अगर आपको ब्रैकेट की यूज़ नहीं करनी है, तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे, और उसके बाद जो आपके माउस का राइट क्लिक है उसे दबा के रखेंगे, और आप लेफ्ट और राइट करके जो आपकी ब्रश का साइज है उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ब्रैकेट की का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके जो कीबोर्ड पे पी अल्फ़ाबेट है उसके जस्ट बगल में की है आपकी ब्रैकेट की, आप उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये हो गया है इतना, अब ये तैयार है, ये देखिए। इसके बाद जो मेरा अंदर का वाटर है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये अलग लग रहा है, तो मैं सिंपली इसे रिमूव करूँगा। इसके लिए मैं जो अपनी पुरानी वाली वाटर की लेयर थी, मैं सिंपली इसमें क्लिक करूँगा, और यहाँ से इसे
एडजस्ट कर लूँगा, इसे रिमूव करना शुरू करूँगा। ये हमारी मैनिपुलेशन लगभग तैयार है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ और भी ऐड करा जाए, लाइक क्या ऐड करा जाए, चलिए देखते हैं। मेरे पे बहुत सी फ़ोटोज़ हैं, कुछ और स्लैग में ऐड कर सकता हूँ तो। आई थिंक एक आइलैंड, मैं इसमें एक आइलैंड ऐड करूँगा, आइलैंड तो नहीं, एक फ़ोटो पेड़ की। तो मैं सिंपली इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। मैं इसका जो ओपेसिटी है उसे सिंपली डिक्रीज कर दूँगा ताकि मैं देख सकूँ मैं इसे एग्जैक्ट किस जगह पर एडजस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे यहाँ ऐड करना चाहता हूँ इतना। ये आई थिंक इतना अच्छा है, मैं इसे यहाँ ऐड करूँगा, हल्का सा और नीचे कर लेता हूँ इतना। मैं इसे सिंपली यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए इतना। इसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा और जो इसकी ओपेसिटी है उसे इंक्रीज कर लूँगा फुल 100। इसके बाद मैं इसका मास बना लूँगा एक इस तरीके से, और इसका हम सिलेक्शन बना लेंगे। मैं यहाँ पे ब्रश टूल का यूज़ करूँगा, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखूँगा और सिंपली इसे ब्लैक थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसे डिलीट करना शुरू करूँगा इस तरीके से। और ये देखिए हमारा मैनिपुलेशन लगभग तैयार है। अब मुझे थोड़ी सी जो इसमें फ़िश का कलर है वो थोड़ा सा मुझे डल लग रहा है, तो मैं सिंपली इसके फ़िश लेयर पे क्लिक करके जो इसकी ओपेसिटी है थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर लूँगा ताकि थोड़ी सी कलरफुल लगे। आई थिंक नाइन्टी टू इज़ बेटर, थोड़ी सी पहले से बेटर लग रही है, तो सिंपली एंटर टैप करूँगा। और यहाँ पे देखिए हमारा वाटर बॉल मैनिपुलेशन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके आगे का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहें। और अगर आपके पास इस फोटो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।